इंदौर में भवरकुआ पुलिस ने दो युवक और एक महिला को गिरफ्तार किया है। तीनों ने अपने ही ड्राइवर को रुपयों के लेनदेन के चलते कई घंटों तक बंधक बनाकर रखा। युवक किसी तरह वहां से जान बचाकर भाग निकला और पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है। इंदौर के नवलखा में रहने वाले मयंक पोथरा, यश पोथरा और मीना ने अपने ही ड्राइवर जगदीश चौधरी को घर बुलाकर उसे बंधक बना लिया और रात भर उसे कमरे में बंद रखा। जगदीश बाथरूम जाने का बहाना कर यहां से भाग निकला और पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद भवरकुआ पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया। जगदीश ने बताया कि वो ट्रेवल्स एजेंसी संचालिका मीना और मयंक की कार का चालक है और एक सवारी लेकर शिरडी गया था, जहां गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में कार में 25,000 का नुकसान हुआ था, जिसकी भरपाई के लिए पैसों की मांग ड्राइवर से की जा रही थी। ड्राइवर द्वारा रुपयों के देने से मना करने के बाद जगदीश को बंधक बना लिया गया। पुलिस ने मयंक, यश और मीना को हिरासत में ले लिया। मयंक बोथरा, यश बोथरा और मीना बोथरा ने उनको कहा कि भाई हमारी गाड़ी का तुमने नुकसान किया है, या तो 25,000 दो या तो गाड़ी ठीक करवा के ला के दो। तो उस ड्राइवर ने बोला कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो पैसे नहीं है तो उसको फिर नहीं पैसे है पर बुलाओ, और उसको बंद कर दिया, कमरे में बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया है ना। तब जैसे तैसे करके रात भर वो घर पे रहा और किसी पेशाब करने के बहाने वो झूठ के थाने आया। थाने पे आरोपी के खिलाफ अपराध कायम करवाया गया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज़।